दोस्तों, अभी तक आपको पता था बजाज फाइनेंस है ईएमआई कार्ड के बारे में, लेकिन आज आप जानिएगा एयरटेल इंस्टा ईएमआई कार्ड के बारे में, क्योंकि एयरटेल ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है एयरटेल इंस्टा ईएमआई कार्ड। क्या इसका बेनिफिट है, कैसे इसको अप्लाई करना है, लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच करिएगा। दोस्तों, फाइनली हम आज को अपने मोबाइल को हम अपनी बगल स्क्रीन कटू में चालू कर दें, और सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में एयरटेल थैंक्स ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा, आपके पास कोई सा भी नंबर हो, जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, वीआई हो, यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है, अकाउंट क्रिएट यहाँ पे आपको कर लेना है, क्योंकि एयरटेल ने यहाँ पे लॉन्च किया है एयरटेल इंस्टा ईएमआई कार्ड, जो कि यहाँ पे पार्टनरशिप किया है बजाज फाइनेंस से। यहाँ पे लॉन्च किया है इस कार्ड को, तो यहाँ पर आपको इजी तरीके से अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर बजाज फाइनेंस पे जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको इजी तरीके से अप्लाई यहाँ पे नहीं हो पाता है, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। चलिए, कैसे क्या करना है, एयरटेल थैंक्स ऐप को सिंपली यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे, इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। नीचे सकते हैं एक पे का ऑप्शन दिखेगा सिंपली, तो पे पे सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। पे पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नीचे पे जैसे यहाँ पे इंस्टॉल करिएगा, देख सकते हैं नीचे में इस तरह का कई ऑप्शन देखने को मिल। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है एयरटेल फाइनेंस का एक सेक्शन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, इंस्टा ईएमआई कार्ड, बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है, देख सकते हैं न्यू लिख रहा है, तो इंस्टा ईएमआई कार्ड है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, एयरटेल फाइनेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रखते हैं अप्लाई नाउ करने का ऑप्शन दिखेगा, तो फुल प्रोसेस दिखाने वाले हैं। एयरटेल फाइनेंस फाइनेंस कर सकते हैं इंस्टा ईएमआई कार्ड, रखते हैं इजी ईएमआई कार्ड यहाँ पर लिख रहा है इस तरीके से। चलिए, नीचे में डिटेल है जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्या क्या इसमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला, कितना आपको चार्ज देना है, कितना फी देना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे शॉपिंग विथ ईएमआई यहाँ पे करवा सकते हैं, स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह यहाँ पे कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो देख सकते हैं 1.5 लाख स्टोर पे अवेलेबल है कार्ड, ठीक है, अप्लाई कर लीजिएगा। 1.5 लाख पर यहाँ पे जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, 1.5 लाख स्टोर पे यहाँ पे दिया गया। देखते हैं पार्टनर स्टोर यहाँ पे देख सकते हैं 4,000 यहाँ पे है, और देखते हैं फिक्स यहाँ पे क्या है, आपको 1 मंथ से 7 मंथ तक ईएमआई करवा सकते हैं, 1 मंथ का भी करा सकते हैं, 12 मंथ का, 6 मंथ का, 60 मंथ का यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे लो ईएमआई भी करवा सकते हैं, अगर आपके पास लो है तो उसको भी करवा सकते हैं, यानी कि हाई का भी कर सकते हैं। 0 डाउन पेमेंट, बिल्कुल 0 डाउन पेमेंट में आपको देखने को मिलने वाला है कार्ड, 0 पेमेंट में कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन देखने को, जैसे यहाँ पे आइएगा देखते हैं स्मार्टफोन, टीवी, बहुत सारे यहाँ पे इंस्टा ईएमआई कार्ड पे देखते हैं यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, लैपटॉप हो गया, बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, स्पीकर हो गया। और नीचे के यहाँ पे आएगा तो कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके इस कार्ड का यूज कर सकते हैं, एयरटेल हो गया देखते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारे आईआरसीटीसी हो गया, माई बुक हो गया देखते हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्टोर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में फॉलो करना होगा, तभी ये कार्ड आपको देखने को मिलने वाला है एयरटेल इंस्टा ईएमआई कार्ड। रखते हैं स्टेप 1 में डिटेल आपको फिल करना है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, स्टेप 2 में कंप्लीट वीडियो KYC करना है, स्टेप 3 में ज्वाइनिंग फी यानी फी आपको देना है, कार्ड आपके पास आ जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर, या तो वर्चुअल भी देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपको फिजिकल भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, नीचे के जैसे यहाँ पे और आइएगा, रखते हैं बहुत सारे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन और दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए फी एंड चार्ज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो फी आपको देना है 530 रुपया, कह सकते हैं बिल्कुल लाइफ में एक ही बार आपको देने होंगे, अगर 1 साल के अंदर इसको यूज नहीं करते हैं तो 70 रुपया आपको देने होंगे, ठीक है। तो सकते हैं यहाँ पे 530 रुपये आपको देने होंगे, एक ही बार आपको देने होंगे, उसके बाद कोई आपको पे नहीं करना, ठीक है। अप्लाई करने के लिए जाएगा तो लास्ट में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कौन सा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे रजिस्टर फॉरते हैं माई ईमेल डेट आपको करना होगा, ठीक है, यानी अकाउंट नंबर देना होगा, IFSC कोड देना होगा बैंक अकाउंट का, क्योंकि कोई सा भी कार्ड के थ्रू परचेज करते हैं, मोबाइल फोन या ईएमआई करवाते हैं, तो उसका ऑटोमेटिक जो पेमेंट कटेगा उसी बैंक से कटेगा, तो इसलिए आपको अटैच करा लेगा जब अप्लाई करते हैं। तो चलिए, कैसे अप्लाई करना है, जो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ। सिंपली क्या करना है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करने से फाइनेंस नीचे में लिख रहा है एयरटेल, बजाज का जो कार्ड का लोगो दिख रहा था, यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फिल हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे एयरटेल का थैंक्स ऐप काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, इसमें अकाउंट भी मेरा है, एयरटेल बैंक्स भी खोल रखा हूँ, ठीक ना, इसलिए मेरा ऑलरेडी ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरा फैच कर लिया डाटा। अगर आपको फैच नहीं कर पा रहा तो क्या करिएगा, आपको फिल करना होगा, क्या क्या रखते हैं, फुल नेम जो पैन कार्ड पे है वो आपको फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे पिन कोड रखते हैं, पैन कार्ड का नंबर आपको फिल करना होगा, जेंडर है तो जेंडर फिल करना होगा, ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, एज आपको 21+ होना चाहिए, तभी अप्लाई आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे रखते हैं मेल पे, मेल है तो मेल ऑलरेडी है, सैलरी देखते हैं ऑलरेडी सैलरी पे टिक है मेरा, मेल पे तो सेल,
मंथली इनकम क्या हो, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब फिल करने के बाद क्या करना, सबमिट गेट ऑफर का ऑफर सिंपली इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं वीडियो के वाईसी के लिए आपको स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। कैसे वीडियो के वाईसी आपको करना, 2 मिनट के अंदर वीडियो के वाईसी यहाँ पे हो जाएगा। उसमें आपको पैन कार्ड आधार कार्ड पूछा जाएगा पूरा डिटेल, और आपको लाइव सिग्नेचर यहाँ पे करा जाएगा सादा पेज पे, तो कर लीजिएगा 2 मिनट के अंदर यहाँ पे हो जाएगा। 7 से 8 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे यहाँ पे डिस्पैच होकर कार्ड भी आ जाएगा, अगर लेना चाहते हैं कार्ड तो, नहीं तो फिजिकल या वर्चुअल यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बजाज का यहाँ पे कार्ड है, तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्रोसेस यहाँ पे बता दिए हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो मन में, वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल ने सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा कॉन्टेंट देखने को मिलते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।